अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हमारी विंटर्स की ऐसी कंबलें जिनका यूज़ हम स्प्रिंग में या फिर समर्स में नहीं कर रहे होंगे, सो उनसे बनाएंगे हम कैंडी कुशन्स। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी एक कंबल, तो यहाँ इस कंबल का मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा हमें कवर करने के लिए कोई भी कपड़ा चाहिए होगा, सो यहाँ मैं इस शॉल का यूज़ करूँगी। हेयर बैंड चाहिए होगा तो यहाँ मैं इस ब्लैक हेयर बैंड का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो कोई डोरी भी यूज कर सकते हैं, सो इस डोरी का भी मैं यूज करके आपको दिखा दूंगी। चलें अब बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। शॉल को कर देते हैं हम साइड पे और स्टार्ट करते हैं अपनी कंबल से। सो सबसे पहले तो हम अपनी कंबल को खोल लेते हैं। इस तरह से मैं इस कंबल को खोल रही हूँ और हमें इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमें कंबल को उतने साइज पे ले आना है जितने साइज का हम पिलो बनाना चाहेंगे। सो यहाँ मैं फोल्ड कर रही हूँ। सो बेसिकली मैंने यहाँ फोल्ड किया है डबल और फिर एक और फोल्ड दिया है। सो इस तरह से फोल्ड करके ये कुछ स्क्वायर सा बन जाएगा। सो ये आप देखें कि मैंने ट्वाइस फोल्ड किया है तो इस तरह से स्क्वायर सा शेप बन गया है। अब मैं इसे एक और फोल्ड दे रही हूँ। सो इंटायरली मैंने इसे 3 फोल्ड्स दिया है। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको जो हूँ एक साइड से पकड़ के रोल करना स्टार्ट कर रही हूँ। सो आपने भी एक एंड से पकड़ के रोल करना स्टार्ट करना है और टाइट रोल बनाएं। जितना टाइट होगा रोल इतना अच्छा होगा। तो यहाँ मैं एजेस स्मूथ आउट करके रोल कर रही हूँ। सो इस तरह से अब मैंने इसको रोल कर लिया और अब मैं इसको साइड पे रख दे रही हूँ। अब ले लेते हैं अपनी शॉल को और शॉल को भी हम ओपन कर लेते हैं। इसको हम इतना ही ओपन करेंगे जितने में हमारा ये जो पिलो है जो हमने बनाया है कुशन वो हम इसमें रख सकें। सो यहाँ मैंने इसको डबल करके डाला है क्योंकि इसी साइज में मेरा जो कुशन है ये यहाँ आराम से प्लेस हो जाएगा। आपने बस देखना है कि एजेस पे तकरीबन 3 से 4 इंच जो है वो बाहर की तरफ है दोनों साइड से। अब हमने अपना ब्लैंकेट जो है वो उसमें प्लेस करके इस तरह से रोल कर लेना है इसमें। और अब आप देखें कि मैं बिल्कुल एंड तक इस तरह से ले आई हूँ इसे। अब अपना हेयर टाई लेके और आपने इसको एक एंड को इस तरह से पकड़ के और इस तरह से इसको टाई कर लेना है। तो यहाँ मैं भी इसको टाई कर रही हूँ। अच्छे से इसको आप सिक्योर कर लें। तो यहाँ मैंने इसका एक एंड सिक्योर कर लिया है और ये जो एंड्स हैं इनको मैं थोड़ा सा ओपन करके स्मूथ आउट कर रही हूँ। अब यही हमने दूसरी साइड पे भी करना है, लेकिन यहाँ मैं आपको डोरी के साथ इसको टाई करके दिखाऊंगी। सो आपने इस तरह से इसको पकड़ लेना है एंड को और फिर आप अपनी डोरी ले लें। आप चाहे कोई रिबन यूज़ कर सकते हैं, कोई लेस यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। सो यहाँ आप देखें कि मैं इसको यहाँ से इसको पकड़ के और मैं इसको अच्छे से टाई कर दे रही हूँ। आपने अच्छे से सिक्योर कर लेना है इसे। और अब हमारा कैंडी कुशन तैयार है। आप देखें कि कितना प्यारा लग रहा है, बगैर कोई स्टिचिंग किए बिल्कुल 0 कॉस्ट में तैयार हो गया है। बेड के बीच में पड़ा ये कुशन भी हमने ब्लैंकेट से ही बनाया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने में कि ये हमने कैसे बनाया तो इसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हमारा ये कैंडी कुशन आपको कैसा लगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज विद मी ऑलवेज़।